आप सभी का स्वागत है महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक है मित्रों। आप सभी को हम बता दें कि खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से जीवन में आ सकती है कंगाली, इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। मतलब आप सभी को हम बता दें कि कई लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, जबकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन के नियम। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह आलस्य को माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। वहीं धीरे धीरे आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आपके पैसे ज्यादा खर्च होने लगते हैं। व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन के नियमों से जुड़ी खास बातें। मित्रों, आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम प्राची से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिसकी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा हो जाती हैं नाराज। वास्तु शास्त्र नियम के अनुसार खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे आपको खाना खाने के बाद कुछ रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी भी आपके घर में निवास नहीं करती, इस कारण से कभी भी खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ न धोएं, बिस्तर पर बैठकर न खाएं खाना। ज्यादातर लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। आप भी अगर ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो अपनी इस आदत को आज से ही बदल लें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में वास होता है, आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं, साथ ही इससे आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक साथ न परोसे तीन रोटियां। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार थाली में कभी भी एक साथ तीन रोटियां न परोसे। ऐसा करना भी भोजन के नियमों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। आपको अगर एक साथ थाली में कई चीजें परोसने की आदत है तो आपको दो रोटी परोसनी चाहिए। वहीं रोटियों को चावल के ऊपर रखें, इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। थाली को अच्छी तरह साफ करके ही परोसे खाना। थाली में खाना परोसते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि थाली में पानी की बूंदें न हो। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको थाली में खाना परोसते समय थाली को अच्छी तरह कपड़े से साफ करके ही इसमें खाना परोसना चाहिए, थाली में न छोड़े खाना। कई लोगों की यह आदत भी होती है कि उन्हें जितना खाना खाना होता है वे खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद थाली में खाना छोड़ देते हैं। इस खाने की थाली वे किचन सिंक में भी रख देते हैं, जिस पर बार बार पानी गिरता रहता है और खाने का अपमान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस आदत की वजह से आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। भोजन के नियम के अनुसार थाली में जूठा खाना बच जाए।
तो इसे अलग कटोरी में निकालकर पशु पक्षियों के लिए रख दें। मित्रों, आगे हम आपको कुछ और भी ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना कि आपको बेहद जरूरी और खास है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ही देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। मित्रों, आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं, इसी कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलकर कई प्रकार की गलत आदतों को अपना रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। पहले के जमाने में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन हो जाता था और जिस कारण से विश्वास थे और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि कमजोरी आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सही साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर एक, रसोई घर वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को स्नान ग्रह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनना चाहिए। रसोई घर को शौचालय की ठीक सामने भी न बनवाएं, यहाँ तक कि स्नान ग्रह है या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार भी एक दूसरे के साथ न लगती हो। यह भी बात ध्यान में रखें कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने न बनवाएं, इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर दो, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दशा मानी गई है, इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित है उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख्य पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती है। नंबर तीन, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेने चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल पांच तत्व में से एक है, जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ यह मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है, इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्र के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना और शुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। नंबर पाँच, ध्यान रहे टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भी कभी भोजन न करें, ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दे। साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ने के लिए तांबा पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करें। मित्रों, आपको बता दें कि भजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर न खाएं, इससे आने का अपमान होता है और राहु ऑपरेशन होते हैं। बिस्तर हुई से बना हुआ होता है, हुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकालने नहीं देती है। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है, बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इससे हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन खाने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही से चंद्र और शुक्र भी ऑपरेशन हो जाते
है और घर से बरकत चली जाती है, इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ न धोएं। थाली में जूठन छोड़ना एन का अपमान होता है, इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। सुबह सुबह रसोई घर में नहा कर ही प्रवेश करें और यदि संभव नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ पैर और मुंह धो कर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। गैस चलने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। आपकी रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल, यह तीनों वस्तुएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इन तीन वस्तु ओन में से एक भी वस्तु यदि हमारी रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और यह भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य चलना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहले रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपकी रसोई घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर न जाएं, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान हो जाता है और वह हमसे नाराज होती है। रसोई घर में सिंक का या नल का पाइप खराब हो और उसमें से पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता रहता है तो इसका भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इस धन का खर्च बढ़ता है। ये अब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दे और उसे जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें और किसी भी मूल चौक और किसी भी भूल चुके के लिए क्षमा मांग ली। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू छुरी केंद्रीय किसी भी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती है, इसीलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद में पढ़कर रिश्तों में दरार ना आने दे। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका सुबह उठते ही हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो बस यही पर हम समाप्त करते हैं, पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध किया था हमने कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है एक व्यक्ति तक शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन लोगों को भी प्राप्त हो सके जो लोग इस जानकारी के अभाव में रह जाते हैं। इसलिए महायोग भी चैनल की इस वीडियो को भारत की हर एक कोने तक जरूर पहुंचाएं। यह महायोग टीवी का एक संकल्प है कि लुप्त हो रही जानकारी को हर एक भारतीय नागरिकता पहुंचना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिकता भेजे। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।